हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉनेस्ट बी। और इस बार खुशी की लहर, खुशी की एक न्यूज लेके आया हूं मैं, क्योंकि यार जो न्यूज मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा मजेदार है। इनफैक्ट आपको इतना खुश कर देगी, इतना खुश कर देगी कि आपका अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो आप कूद के उस काम को करेंगे, क्योंकि यार ये न्यूज ही कुछ ऐसी है। क्योंकि जब मैंने ये न्यूज पढ़ी और मैंने ये इसका आर्टिकल रीड किया, पूरा न्यूज को खंगाला, तो आई वाज जस्ट कि द न्यूज हैज रिलेटेड टू साउथ इंडियन सिनेमा। जैसा कि आपको पता है क्या कि कितनी फिल्में थी, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो रिलीज होने थे जनवरी में, फरवरी में, बट अनफॉर्चुनेटली दिस ड्यू टू दिस ओमिक्रॉन, ये कोविड पेंडेमिक की वजह से सारी फिल्में पोस्टपोन हो गई। और न जाने उस टाइम ये अनाउंस हो गया कि ये फिल्में इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई हैं। बट जैसा कि पता है कि अभी कोरोना चल रहा है, सो स्टे सेफ, स्टे होम, लेकिन सिनेमा इज सिनेमा। तो फाइनली साउथ इंडियन सिनेमा अब आगे बढ़ चुका है, एक स्टेप फॉरवर्ड ले चुका है और फाइनली उन्होंने अपनी फिल्मों की न्यू रिलीज डेट्स अनाउंस कर दी है। जैसे कि आपको पता है कि वाली मई, आरआरआर, राधे श्याम, आचार्य, एसवीपी, जाने कितनी फिल्में थी आज जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार था। इवन आई एम बिग फैन ऑफ महेश बाबू, रामचरण तेजा, रवि तेजा, पवन कल्याण एंड मैनी मैनी मोर इन द लीडिंग रोल्स ऑफ द साउथ सिनेमा। तो यार आज मैं तुम्हारे सामने वो न्यूज प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसको शायद सुन के शायद नॉर्थ इंडियन सिनेमा को मुझे नहीं पता, नॉर्थ इंडियन फैंस को मुझे नहीं पता, लेकिन साउथ इंडियन के फैंस जो है, साउथ इंडिया के जो जितने भी फैंस हैं, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स के फैन हैं, तो उनका जो जो रिएक्शन होगा ना वो बहुत ही गजब होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली फिल्म आती है वाली मई, स्टारिंग अजीत कुमार। द मोस्ट व्यूड ट्रेलर ऑफ दिस मूवी वॉज ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ यूट्यूब। तो मैं बात करूँ वाली मई स्टारिंग अजीत कुमार is going to release on 24th of Feb, that is Thursday. Please log the date. अगर आपके पास कहीं कॉपी और पेन है तो इसे नोट कर लो। तो फाइनली वाली मई, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार था, उसकी जो पुरानी डेट थी वो थी 13th of January, but due to this pandemic, फिल्म पोस्टपोन हो गई। और फाइनली दिस फिल्म इज गोइंग टू रिलीज ऑन 24th of February, यानी कि आज से मात्र 20-21 दिन बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज पवन कल्याण स्टारर विच वन, अरे भीम ननायक। तो पवन कल्याण स्टारर भीम ननायक इज गोइंग टू रिलीज ऑन 25th of Feb। तो सबसे बड़ा यही रीजन है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि यार इतने दो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में अब क्लैश करने जा रही हैं, तो क्या रहेगा बॉक्स ऑफिस पे। मतलब पिछले दो महीने से बॉक्स ऑफिस में कुछ कमाई नहीं की है, इस एक्सेप्शनल ओनली एक्सेप्ट पुष्पा, जो कि ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तो अब ये देखना रहता है कि जब दोनों फिल्में एक साथ टकरा रही हैं, पवन कल्याण वर्सेस अजीत कुमार, तो यार कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या स्टॉर्म लाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि वाली मई हिंदी में रिलीज हो रही है, तो नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए फिर से एक ट्रीट आ रही है आफ्टर पुष्पा। सो देखना ही रहेगा कि दोनों में से कौन सी फिल्म जीतती है। नेक्स्ट इज राधे श्याम, प्लीज नोट द डेट, 11th of March 2022, जस्ट बिफोर होली, वन वीक बिफोर होली। तो राधे श्याम स्टारिंग प्रभास एंड पूजा हेगड़े इज गोइंग टू रिलीज ऑन 11th of March 2022। तो यार ये फिल्म जो कि 350 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म, प्रोड्यूसर्स को पहले ही बता था कि इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करना ही उनके लिए फायदे में रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा बजट रिकवर करना इज नॉट पॉसिबल ऑन OTT। तो यार पहले फिल्म 13th of January को रिलीज हो रही थी, बट फाइनली इसकी अब जो 14th of January को रिलीज हो रही थी ये फिल्म, लेकिन अब फाइनली इसकी जो न्यू रिलीज डेट आ गई है, जब ये फिल्म पोस्टपोन हुई थी तो काफ़ी ऐसे फैंस थे जिनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, इंक्लूडिंग मी, लेकिन अब फाइनली स्पेशली फॉर प्रभास फैंस एंड पूजा हेगड़े फैंस, तो ये फिल्म फाइनली रिलीज हो रही है 11th of March 2022 को। अब मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसका मुझे जब से वेट है, जब से उसका अनाउंसमेंट हुआ है। यू मे नो गेस कौन सी फिल्म हो सकती है वो। यार मैंने बाहुबली देखी है, मैंने बाहुबली 2 देखी है। सो ऑफकोर्स इस RRR, Rise Roll Revolts, starring Junior NTR, Ram Charan Teja, Arya Bhatt, Ajay Devgan in the leading roles and directed by none other than SS Rajamouli. यार इस फिल्म का मुझे जब से वेट है, जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ड्यू टू दिस बिग स्टार कास्ट एंड ऑफकोर्स द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। उसके बाद इसको मुझे तब से वेट है जब इसका टीजर आया था, और तब से और वेट हो गया जब से इसका ट्रेलर आया है। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होना था 7th of January को, और ये फिल्म 4th of January तक उसी डेट पे टिकी हुई थी, ये रिलीज होने ही वाली थी,
बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस पेंडेमिक इसमें हर कोई हेल्पलेस था, तो ये फिल्म पोस्टपोन हो गई थी और मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ये फिल्म इस साल के एंड में रिलीज होगी, बट यार फैंस की कौन नहीं सुनता, मजा आ गया। इस फिल्म को मिली है डेट 25th of March 2022 और ये फिल्म अब फाइनली रिलीज होने जा रही है 25 मार्च को। तो अगर आपके पास कोई कॉपी और पेन है तो यार प्लीज इस डेट को नोट कर लो, क्योंकि मैंने तो इस डेट को हर जगह छाप लिया दीवार पे और इसी डेट को मैं फिल्म देखने वाला हूँ। अगर आप फैन हो NTR के और रामचरण तेजा के एंड ऑफकोर्स अजय देवगन एज़ वेल, मैं तो हूँ, तो यार ये फिल्म फाइनली आ रही है 25th of March 2022 में। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इसके साथ एक और फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका शायद सभी को डाउट है, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिग स्टार फिल्म, दैट इज रवि तेजस स्टारिंग विच वन रामा राव ऑन ड्यूटी। हालांकि इस फिल्म का अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि प्रोड्यूसर्स ने दो डेट दी हैं, या तो 25 मार्च या फिर हो सकती है 15 अप्रैल। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मेरा गेस है कि ये फिल्म 25 मार्च को नहीं आएगी, क्योंकि RRR के सामने कोई भी फिल्म रिलीज करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। एंड ऑफ कोर्स मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि ये फिल्म RRR आराम से 500 करोड़ से ज़्यादा का, 500 करोड़ से कम तो नहीं कमाएगी, उससे ज़्यादा कितनी ऊपर जाएगी मुझे नहीं पता। तो गैस अकॉर्डिंग टू मी रवि तेजा की जो फिल्म आने वाली है, रवि सर की जो फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी आने वाली है, ये फिल्म शायद पोस्टपोन हो जाएगी। अब देखना ये रहता है कि प्रोड्यूसर्स का क्या डिसीजन रहता है। हालांकि मेरा डिसीजन ये कहता है कि 99.9% ये फिल्म आगे खिसकेगी ही खिसकेगी। नेक्स्ट कम्स इज KGF 2 स्टारिंग यश, संजय दत्त एंड रवीना टंडन इन द लीडिंग रोल्स। यार KGF 2 का वेट तब से है जब से KGF 1 खत्म हुई थी और ये फिल्म इतनी पोस्टपोन हो गई कि अब जब इसको डेट मिली हुई है 14 अप्रैल की, 14th of April, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिल्म अभी भी उसी डेट पर अटकी हुई है। एंड आई मस्ट से ये फिल्म उसी दिन रिलीज होनी चाहिए, और किसी माइकल आने अगर इस फिल्म को रिलीज इसको पोस्टपोन किया ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ये फिल्म अब आगे देखनी है। और जब से KGF 1 देखी है, तो फर्स्ट इट वॉज अबाउट टू रिलीज इन 2020, फिर ये 2021 के लिए पोस्टपोन हो गई, लेकिन कोरोना ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और अभी फाइनली 14 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। तो गाइस 14th of April KGF फैंस, स्पेशली यश फैंस, इस डेट को नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो, और 14 अप्रैल को थिएटर में पहुंच जाना, क्योंकि बहुत सारे सवाल के जवाब अभी बाकी हैं। नेक्स्ट कम्स इज आचार्य स्टारिंग रामचरण तेजा एंड चिरंजीवी, लाइक फादर सन डुओ इन द लीडिंग रोल्स। इस फिल्म को वेट तभी से है जब से मैंने इसका टीजर देखा है। द लास्ट सीन ऑफ दैट ग्लिम्स वॉज अमेजिंग, जिसमें जहाँ दो जानवर खड़े हैं, शायद वो भी एक रिलेशन में है, और इधर खड़े हैं चिरंजीवी सर और रामचरण तेजा जी, तो वो भी नदी के इस पर वो है, नदी के उस पर वो है। तो यार वो सीन गजब था, मतलब क्या सीन बनाया गया था वो। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी यार ये फिल्म भी पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। इस फिल्म को डेट मिली है 29th of April, और जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये फिल्म उसी दिन रिलीज होगी। नेक्स्ट कम्स इज महेश बाबूज SVP। अब SVP की फुल फॉर्म मत पूछ लेना, किसी बेवकूफ़ को हो, कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसको ये फुल फॉर्म नहीं पता होगी। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल लाओ, मैं नहीं बताऊँगा, लेट्स लीव इट अ सस्पेंस। सो गाइज ये है पूरी लिस्ट साउथ इंडियन मूवीज़ की जो फाइनली फ्रेश लिस्ट अनाउंस की है प्रोड्यूसर्स ने। एंड आई मस्ट से अकॉर्डिंग टू मी यार अगर कोरोना नहीं आता है तो दीज फिल्म्स विल डेफिनेटली स्टिक टू दीज डेट्स, और बहुत हो गया है कोविड, अब हमें ये फिल्में थिएटर्स में चाहिए। सो गाइज अगर तुम्हारे अंदर एक एक्साइटमेंट है, प्लीज़ लीव अ कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन, मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर किस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट है। मेरे अंदर तो ऐसी 3 फिल्में हैं, फर्स्ट इज RRR, सेकेंड इज राधे श्याम, एंड थर्ड वन इज आचार्य, नहीं KGF 2। मैं इसको फिल्म को बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो मेरी तो ये टॉप 3 फिल्में हैं, RRR, राधे श्याम एंड KGF 2। तुम्हारी कौन सी फिल्में हैं, तुम कौन सी फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देने चाहोगे, चाहे वो शो 4 बजे का ही क्यों ना हो, ऑफकोर्स इतना तो मुद्दा है बॉस। तो तुम्हारे अंदर किस फिल्म का एक्साइटमेंट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज न्यू वीडियोज़ ऑन द वे। थैंक यू सो मच।